Hello friends, today we will discuss about Elizabethan age, which is the part 4th. Before this, we have uploaded 3 parts of Elizabethan age, which are also very important if you are following our series History of English Language and Literature. We have started the History of English Language and Literature series, जिसमें हमने सारे जो इम्पॉर्टेंट एजेस हैं उसको हम क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में डिस्कस कर रहे हैं. एलिजाबेथन एज बहुत इम्पॉर्टेंट एज है, इसीलिए हमने एलिजाबेथन एज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इससे पहले 3 जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर दी गई हैं और जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम के रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं. इस 4th पार्ट में एलिजाबेथन एज के बारे में जितने भी रिमेनिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे. तो विदाउट डिलेइंग, तो लेट्स स्टार्ट. एलिजाबेथन थिएटर के बारे में आज बात करेंगे. एलिजाबेथन थिएटर की अगर हम बात करें तो 1562 से लेकर 1642 का ये जो टाइम स्पेन है, इसमें एलिजाबेथन थिएटर माना जाता है बहुत फ्लरिश हुए, बहुत डेवलप किया एलिजाबेथन थिएटर में. तो ये एलिजाबेथन एज में मेन सोर्स थे थिएटर प्लेस एंटरटेनमेंट का. पहले ऐसा नहीं था जैसे आज हमारे पास इतना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए. उस समय एलिजाबेथन एज में सिर्फ ये थिएटर ही थे एंटरटेनमेंट का मेन सोर्स. तो मगर देखा जाए तो चर्च और प्यूरिटन बिल्कुल अगेंस्ट थे थिएटर के, मगर क्वीन एलिजाबेथ ने सपोर्ट किया था थिएटर को, इसीलिए ये फ्लरिश हुए थिएटर्स. अगर बात की जाए फेमस जॉनराज इन थिएटर, थिएटर में कौन कौन से जॉनरास होते थे, कौन कौन से जॉनरास परफॉर्म होते थे, हिस्ट्रीज, कॉमेडीज, ट्रेजी, सब टाइप का जो वर्क सब प्लेस है वो थिएटर में परफॉर्म होते थे. तो एलिजाबेथन एज में सो मैनी थिएटर बिल्ड किए गए एलिजाबेथन एज में. ओके, लंदन में बहुत सारे थिएटर बिल्ड किए गए क्वीन एलिजाबेथन के रेन में. और अगर देखा जाए तो देयर वर 3 टाइप्स ऑफ थिएटर, तीन तरह के ये थिएटर थे. कौन कौन से थे? इन यार्ड्स, ओपन एयर एम्फी थिएटर्स एंड प्ले हाउसेस. इनके बारे में डिटेल से देखते हैं. इन यार्ड्स जो थिएटर थे, ये जो इन क्या होता था, इस थिएटर में एक स्टेज होता था और उसके अराउंड रूम बने होते थे. तो मगर प्रॉपरली सीटिंग अरेंजमेंट नहीं होती थी, सिर्फ कैजुअली सीटिंग होती थी. ऑडियंस अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चाहे बैठ के, चाहे लेट कर, चाहे खड़े होकर वो देख सकता था जैसे वो प्ले परफॉर्म होता हुआ देखना चाहता है. तो अगर देखें तो इस इन यार्ड थिएटर्स में फाइटिंग बहुत होने लगी थी. क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट का यही एक सोर्स था, क्योंकि यहाँ पे ड्रंकार्ड्स आते थे, शराबी आते थे, गुंडे बदमाश आते थे अपनी इवनिंग को इंजॉय करने के लिए. तो बहुत से मतलब ये फाइटिंग होने लगी थी, मगर फिर भी बहुत फेमस रहा है ये इन यार्ड. तो फेमस इन यार्ड थिएटर कौन कौन से थे इस लंदन में उस समय? रेड बुल, ये एक इन यार्ड थिएटर था. क्रॉस कीज, बेल सेवेज, द रेड लाइन, ये सारे नेम हैं उनके, ये इन यार्ड थिएटर के फेमस जो फेमस थिएटर हैं उनके नेम हैं ये. आगे है ओपन एयर एम्फी थिएटर, ये बहुत बड़े होते थे. ओपन एयर एम्फी थिएटर बहुत बड़े होते थे साइज में. वन टाइम एक बार में 2500 से लेकर 3000 तक के लोग एक प्ले को परफॉर्म होता हुआ देख सकते थे. इसमें 3 फ्लोर्स होते थे और ग्राउंडलिंग की भी अरेंजमेंट थी. ग्राउंडलिंग क्या होता है? जिनको सीट नहीं ना मिलती, यानी कि जो ज़्यादा पे नहीं कर पाता, क्योंकि जिसको सीट पे बैठना है उसको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा. जिसके पास इतने पैसे नहीं है मगर फिर भी वो प्ले को देखना चाहता है, उसको नीचे बैठना पड़ता था ग्राउंड पे. तो उसको कम पैसे लेकर उनको ग्राउंड पे बिठाकर भी वो लुत्फ उठा सकता है प्ले के परफॉर्मेंस का, तो उस ऑडियंस को ग्राउंडलिंग कहा गया है. इस ओपन एयर एम्पलीफायर कौन कौन से फेमस थिएटर हैं ओपन एयर एम्पली थिएटर में? द थिएटर आ जाता है, और द ग्लोब, एंड द स्वैन.
ये जो द ग्लोब है ये पता ही है, इसमें शेयर होल्डर आते शेक्सपियर के। और शेक्सपियर की अगर बात करूँ मैं, शेक्सपियर एक बहुत अच्छे ड्रामाटिस्ट थे, हमने पता ही है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। शेक्सपियर ने जो अपने ज़्यादातर जो प्लेज हैं वो ओपन एयर एम्पी थिएटर में ही परफॉर्म किए हैं, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखते थे शेक्सपियर ग्राउंडलिंग का। ओके, देन आ जाती हैं प्ले हाउसेस। प्ले हाउसेस की अगर बात की जाए, ये बहुत एक्सपेंसिव होते थे, और जो एरिया होता था ना, ये जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, इनका एरिया ओपन होता था, ये एरिया सारा कवर्ड होता था, और सिर्फ एक बार में सिर्फ 500 तक के ऑडियंस एक प्ले को परफॉर्म होता हुआ देख सकती थी। जो ये इनकी ऑनरशिप की अगर बात की जाए प्ले हाउसेस की, ये प्राइवेट होते थे, और इनकी जो ऑडियंस की अगर बात करूं, इसमें रॉयलिस्ट, लैंडलॉर्ड और पॉलिटिशियन ही आ सकते थे, बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव थे ना, क्योंकि आम जनता के पास इतना पैसा कहाँ पे, तो मतलब ऑडियंस में यही आते थे। आगे बात करूं मैं, एलिजाबेथन थिएटर में ना फ्लैग भी थे, जो फ्लैग भी लगाए जाते थे थिएटर के ऊपर लगाए जाते थे, जो बताते थे जो के कौन से जॉनरा में जो प्ले है उसकी परफॉर्मेंस चल रही है। वाइट कलर का फ्लैग डिनोट करता था कि इस थिएटर में कॉमेडी परफॉर्म की जा रही है, और रेड कलर का जो फ्लैग था वो ये डिनोट करता था कि हिस्ट्री प्ले की परफॉर्मेंस चल रही है, और ब्लैक करता था डिनोट कि ट्रेजेडी की परफॉर्मेंस हो रही है थिएटर में। तो आगे अगर बात करें, थिएटर में कोई भी फीमेल करेक्टर परफॉर्म नहीं करती थी। वाई, क्यों नहीं करती थी, इसके बारे में भी आपको मैं बताती हूँ। और फीमेल का अगर करेक्टर तो होता है, कोई भी प्ले हम देखें तो फीमेल का तो रोल होता है, उसमें क्या होते थे, जो मेल थे ना, मेल ही फीमेल की यानी कि भेस बदल कर वही परफॉर्मेंस करते थे। और क्योंकि फीमेल को उस समय पे फीमेल को स्टेज पे लाना, वो भी इतने स्ट्रेंज लोगों के बीच में, एलिजाबेथन एज में इंग्लैंड में इलीगल माना जाता था, इसीलिए कोई भी फीमेल करेक्टर परफॉर्म नहीं करती थी, यही कारण था। ओके, ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द बॉक्स ऑफिस, ये एक बॉक्स लगा होता था थिएटर के सामने, जिसमें जो ऑडियंस है उसको कुछ पैसे देने होते थे। ठीक है, ये द बॉक्स ऑफिस इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। देन आगे आ जाता है द थिएटर, ये फर्स्ट बिल्डिंग थी, ये फर्स्ट थिएटर था जो बनाया गया, ये बिल्डिंग बनाई गई 1576 में द थिएटर नाम से, और दोबारा से इस बिल्डिंग को रीबिल्ड किया गया 1599 में, और इसका नाम भी रीनेम्ड कर दिया गया, यानी कि दोबारा रखा गया और उसका नाम रख दिया गया द थिएटर से द ग्लोब। और अगर हम मिडिल एजेस, अगर हम अब लिटरेचर की बात करेंगे, एलिजाबेथन एज में लिटरेचर की बात करें, तो पहले जैसे इस एज में, मिडिल एज में पोइट्री चल रही थी ना, वैसे ही पोइट्री को इन्होंने डेवलप्ड किया, मगर शिफ्ट हो गई थी, नरेटिव पोइट्री ज़्यादा लिखी जाती थी मिडिल एज में, मगर यहाँ पे लिरिकल पोइट्री लिखी जाने लगी। लिरिकल पोइट्री थी जो, ये एक काइंड ऑफ पोइट्री है जिसमें जो एक स्पीकर होता है, एक सिंगल स्पीकर होता है, उसी की ऑब्जर्वेशन एंड फीलिंग को बताया जाता था। और लिरिकल पोइट्री का एक अगर मैं काइंड बोलूं तो सोनेट्स भी लिरिकल पोइट्री के अंडर ही आते हैं। एलिजाबेथन एज में सोनेट्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, जैसे ड्रामा, ठीक है, ड्रामा भी बहुत पॉपुलर था और सोनेट्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे एलिजाबेथन एज में।
विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं, और भी एडमंड स्पेंसर हो गए, सर थॉमस व्याट हो गए, हेनरी होवार्ट, सर फिलिप सिडनी, इन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी सोनेट्स लिखी हैं। बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी सोनेट्स, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, मगर इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी जितना ड्रामा था। मगर फिर भी ऐसा माना जाता था कि एवरीवन इन इंग्लैंड हु कुड होल्ड अ पेन वाज राइटिंग अ सोनेट। इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी कि हर एक कोई जिसको बस पेन होल्ड करना आता है ना, कुछ भी लिखना था, वो सोनेट लिख देता था, बिकॉज एक सिंगल स्पीकर की ऑब्जर्वेशन एंड फीलिंग के ऊपर ही लिखना होता था, और ये सोनेट 14 लाइन की एक पोइम होती थी। ओके, देन आ जाते हैं अब इस एज के, एलिजाबेथन एज के इम्पॉर्टेंट राइटर। शेक्सपियर के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया है, वो और यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है, और अदर इम्पॉर्टेंट जो राइटर हैं जिसके बारे में हमें जाना ज़रूरी है, दैट इज़ एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर का लाइफ स्पेन अगर देखें, इनके बर्थ हुआ 1552 को और डेथ इनकी 1599 को एडमंड स्पेंसर की होती है, मगर फिर भी इनके बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, प्राइवेट लाइफ की इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मगर ऐसा माना जाता है कि इनके वर्क, जो एडमंड स्पेंसर का वर्क था शेफर्ड्स कैलेंडर जो 1579 में आया, इसी वर्क के पब्लिश होने के बाद ही गोल्डन एज की स्टार्टिंग मानी जाती है, क्योंकि एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज भी माना जाता है, और इस एज को गोल्डन एज भी इसीलिए माना जाने लगा इस वर्क के प्रोड्यूस होने के बाद। 1580 की अगर बात करें, स्पेंसर वॉज सेंट टू आयरलैंड, तो 1580 में ना स्पेंसर को ऑफिशियल पर्पस के लिए आयरलैंड में भेज दिया गया, मगर आयरलैंड इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये 1596 में ये वापस आ जाते हैं आयरलैंड से, और ये यहाँ पे आकर लिखते हैं व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय एडमंड स्पेंसर, और ये जो वर्क है ये एक प्रोज वर्क है। इस वर्क में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि कैसे इंग्लैंड ट्रीट कर रहा है वो आयरलैंड को, क्योंकि हमने बात की थी ना कि वो कॉलोनीज भी बनाने लग गया था इंग्लैंड, एलिजाबेथन एज में कॉलोनीज भी बनानी स्टार्ट कर दी थी, और आयरलैंड एक कॉलोनी थी इंग्लैंड की। ओके, और इसमें वो डिफेंड करते हैं, डिफेंड मतलब सपोर्ट करते हैं वो इंग्लैंड की, चाहे वो ब्रूटल ऑपरेशन था उसका इंग्लैंड का, वो बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था इंग्लिश आयरिश लोगों को, मगर फिर भी ही डिफेंडेड द ब्रूटल ऑपरेशन ऑफ द आयरिश बाय द इंग्लिश मोनार्की, वो डिफेंड करते हैं। तो अगर आप बात देखो ना, व्यू के स्पेलिंग वी ई यू ई हैं, वो बिल्कुल भी मतलब आज की मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं है। ये इससे हमें ये पता चलता है कि इस समय भी एलिजाबेथन एज में भी चाहे इंग्लिश की डेवलपमेंट हो रही थी, मगर फिर भी बहुत से जो वर्ड्स हैं वो मिडिल इंग्लिश जैसे ही यूज़ हो रहे थे। और एडमंड स्पेंसर आयरलैंड से जब आते हैं ना 1598 में, अगर हम बात करें आयरलैंड में ना विद्रोह शुरू हो गया था, और अगर देखें तो इस जब ये आयरलैंड से वापस आए थे ना, स्पेंसर को मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गए थे, इनको कोई मेंटली प्रॉब्लम्स ही हो गई थी, खोए खोए से रहने, मेंटली प्रॉब्लम माना जाता है, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गए थे एडमंड स्पेंसर। 1599 में इनके ओनली 46 की एज में इनकी डेथ हो जाती है। इनके इम्पॉर्टेंट वर्क हमने पहले ही भी बात की थी, द शेफर्ड्स कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्क है। इन्होंने सिर्फ ये जो वर्क है 27 की एज में लिखा था, और ये जो वर्क है द शेफर्ड्स कैलेंडर, इन्होंने डेडिकेट किया था फिलिप सिडनी को, और ऐसा माना जाता है कि शेफर्ड कैलेंडर के पब्लिश होने के बाद ही गोल्डन एज शुरू होती है, एलिजाबेथन की गोल्डन एज शुरू होती है। आगे हमने बात की है एडमंड स्पेंसर के बारे में, और आगे इनके और भी इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। इनके जो सुप्रीम वर्क है, सुप्रीम वर्क सबसे ऊपर जो वर्क है, वो फेरी क्वीन को कंसीडर किया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत लॉन्ग वर्क है, और इस वर्क को 5 बुक्स में डिवाइड किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ये जो वर्क है वॉल्टर रिले की हेल्प से लिखा है, द फेरी क्वीन। और नेक्स्ट इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है एमोरिटी एंड एपिथेलेमियन। ये जो वर्क है ये इन्होंने
तब लिखा जब ये रिलेशन में थे एलिजाबेथ बॉयले के साथ। तो ये बाद में इन्होंने शादी भी कर ली थी एलिजाबेथ बॉयले के साथ। जो एमोरेटी है ये 88 सोनेट्स का एक सेट है जिसमें इन्होंने शो किया है अपना लव अपनी बिलव्ड एलिजाबेथ बॉयले के साथ। देन एपिथेलेमियन, ये जो वर्क है ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है और ये माना जाता है द नॉबलेस्ट वेडिंग हिम इन इंग्लिश। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसको नॉबलेस्ट वेडिंग हिम इन इंग्लिश माना जाता है एपिथेलेमियन को, जो कि एडमंड स्पेंसर का ही वर्क है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर फिलिप सिडने के बारे में। सर फिलिप सिडने इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ एलिजाबेथन एज। इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। 1554 को इनका बर्थ हुआ और 1586 को इनकी डेथ हुई। और ऐसा माना जाता है ये एक नॉबल फैमिली से बिलोंग करते थे और ये इनके भतीजे थे रॉबर्ट डुडले के। रॉबर्ट डुडले थे ये जो, ये कोर्टियर थे और बहुत क्लोज थे एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ के बहुत क्लोज थे, क्वीन एलिजाबेथ के और कोर्टियर भी थे। ओके, और उनके ये क्या थे, नेफ्यू थे। फिलिप सिडनी भी एक कोर्टियर भी थे और एक सोल्जर भी थे। और बहुत पॉपुलर सेइंग है फिलिप सिडनी के बारे में कि वन कुड नॉट गेट अ मोर इंग्लिश दैन हिम। ये माना जाता है कि इतनी इंग्लिश, इतनी इनके जैसी, इतनी जितनी इंग्लिश इनको आती है किसी को भी नहीं आती। और ओनली 18 साल की उम्र में ही इन ये पार्लियामेंट में इलेक्ट हो जाते हैं। बहुत ट्रैवलिंग की है फिलिप सिडनी ने, इन्होंने ये फ्रांस भी गए, जर्मनी, पोलैंड, इटली, बहुत इन्होंने कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, ऑब्ज़र्व किया उन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का कल्चर उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। और ऐसा माना जाता है कि ये इनकी डेथ माना नहीं जाता, श्योर है फिलिप सिडनी की जो डेथ है 1586 में हुई बैटल ऑफ जुटफिन में। और उनकी ये डेथ हीरोइक थी क्योंकि ये शहीद हुए थे ना बैटल में मारे जाने, ये तो हीरोइक डेथ हुई थी इनकी। तो फिलिप सिडनी के वर्क्स के बारे में भी अब देख लेते हैं। अपॉलॉजी फॉर पोइट्री 1579 में इनका ये वर्क आया, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है ये। और इस वर्क की वजह से ऐसा माना जाता है दिस इज़ अ वर्क विच इज़ अ फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश। और इस वर्क के ये वर्क एस्टेब्लिश करता है इंग्लिश को एज अ लिटरेरी लैंग्वेज। और ये बोलते हैं फिलिप सिडने अपने इस वर्क में अपॉलॉजी फॉर पोइट्री में कहते हैं कि जो क्रिटिसिज्म है वो ऐसा नहीं सिर्फ लैटिन लैंग्वेज में ही लिखा जाए, उसको इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है। तो इसीलिए इसके बाद ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्रिटिसिज्म वगैरह लिखा जाने लगा। दिस इज़ ऑल अबाउट एलिजाबेथन एज। 4 पार्ट्स हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। आई होप यू लाइक दिस। Please like, share and subscribe my channel because I want motivation. अगर motivation मिलेगी ना, कोई भी चाहे छोटा बच्चा भी है उसको भी अगर हम motivation करेंगे, हम इतना work कर रहे हैं, अगर हमें motivation मिलेगी तो आगे अच्छे और अच्छा perform करेंगे। अगर आप कोई मेरे को सुजेशन भी देना चाहती हो तो मैं उसको मानूंगी और उसमें इम्प्रूवमेंट भी करूंगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।